नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा की बेटी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त कर देश का नाम, अपने परिवार के साथ साथ अपने जिले का नाम भी रोशन कर दिया है। बता दें कि आगरा की अंकिता जैन की देश भर में तीसरी रैंक आई है। अंकिता ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शादी के बाद शुरू की थी। बता दें कि अंकिता के पति अभिनव त्यागी भी आईपीएस अफसर हैं, जिनकी पोस्टिंग इस वक्त महाराष्ट्र में है। वही अंकिता के आईएएस बनने से अंकिता के परिवार में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। मेरी उत्तरवधु ने जो थर्ड रैंक ली है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा परिवार जो है बहुत खुश है, फूले नहीं समा रहा है। हमारे दोस्त परिवार के जो मित्रगण सभी जो है बधाई देने वाले आए हैं, वो लोग भी बड़े खुश हैं, क्योंकि हमारी जो है बहू ने जो है पुत्रवधु जो कि हमारी जो है बेटी के समान है थर्ड रैंक प्राप्त की है। हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, तो कितनी मेहनत की होगी आपकी बहू जी? इसमें जो है बहुत मेहनत है, कंटिन्यूस जो है वो मेहनत है। पिछले 3 साल से, जब से जो है 2018 में ऑडिट अकाउंट्स में आई थी, तभी से वो कोशिश कर रही थी अपना और इम्प्रूवमेंट करें। तीन साल से जो है लगातार, पिछले साल जो है वो हो नहीं पाई सफल, जो है इस साल उन्होंने फिर मेहनत की और मेहनत की, ज़्यादा मेहनत की, और आज इस मुकाम पर है कि उनका जो है ऑल इंडिया में थर्ड रैंक है। हम लोग उनकी जो है मेहनत से और जिनका वो फल मिला है, वो आया रिजल्ट आया, उससे बड़े खुश हैं। मेरी तरफ से अंकिता के लिए को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। उसने जो मेहनत की, आज उसका फल उसके सामने है। इसके लिए मैं उसको बहुत आशीर्वाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि वो भविष्य में इसी तरह उन्नति करती रहे और देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे। अच्छा, सास बहू के बड़े बड़े बहुत सुनने को मिलते हैं, शायद पहला ऐसा देखने को मिल रहा है कि सास बहुत खुश है बहू की तरक्की पर। ऐसा तो नहीं है कि हर सास ही अपनी बहू से लड़ती है, ये तो गलत कहना गलत होगा। बहुत सारी सासें हैं जो अपनी बहू के सफलता में काफ़ी योगदान देती हैं और उनको आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, और हम लोग पढ़े लिखे समाज को बिलोंग करते हैं तो हम लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बिजनौर में 14 सितंबर को दिनदहाड़े कोहलू संचालक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि बिजनौर थाना कोतवाली शहर के दारा नगर गंज इलाके के गांव भोगनवाला में 14 तारीख को कोहलू संचालक शौकत उर्फ मौसम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े इस गोलीकांड के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जाँच पड़ताल शुरू कर दी थी। जाँच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि मृतक शौकत का कुछ समय पहले गाँव के जाकिर से मामूली सा विवाद हो गया था और मृतक शौकत ने जाकिर को एक थप्पड़ मार दिया था, और इसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए जाकिर ने 14 सितंबर को अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर शौकत को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं मामले में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों शाकिर और जावेद को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 तमंचे और 5 कारतूस भी बरामद किए गए। मुख्य आरोपी जाकिर अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास कर रही है। तो बिजनौर का ही पूरा मामला है जहां पर कोहलू संचालक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है, साथ ही साथ अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कुछ और आरोपी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, वो फरार बताए जा रहे हैं। 14 सितंबर को कोल्हू पर भोगनवाला गांव में मौसम नाम के एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR थी। हत्या का कारण पुरानी और आपसी गांव की रंजिश थी। उसमें से 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त साकिर और जावेद को मैं समय से गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 अभियुक्त जाकिर की गिरफ्तारी शेष है, उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लिया। आगरा से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ये लोग युवक को हाईवे पर सड़क किनारे रेलिंग से बांधकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग बैटरी चोरी के शक में युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। वही मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से बचाकर अपने साथ थाने ले आई। थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन तिराहे हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा का एक पूरा मामला जहां पर सड़क किनारे रस्सियों से बांधकर जमकर युवक की पिटाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैटरी चोरी के शक में इस युवक को जमकर पीटा गया है।
टेम्पो से इसे पहले बांधा गया। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जो युवक है वो रोता रहा, बिलखता रहा और कहता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहाँ पर रहम खाता हुआ उस युवक पर नजर नहीं आया है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इस युवक को वहां से छुड़ाया और थाने ले आई है। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बैटरी चोरी कर रहा था युवक और इसी वजह से आसपास के लोगों ने इसे पकड़ लिया, रस्से से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आवारा पशुओं का आतंक जारी है, जहां एक आवारा सांड ने मासूम बच्चे को उठाकर पटक दिया। इस दौरान सांड ने मासूम बच्चे को कई बार टक्कर मारी। गनीमत रही कि समय रहते पास से गुजर रहे लोगों ने आक्रामक सांड से मासूम बच्चे की जान बचा ली। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ये आवारा सांड लोगों पर हमला करते हैं, पर नगर पालिका फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता। दादरी नगर के शिव वाटिका की पूरी घटना बताई जा रही है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आप देख सकते हैं सांड जो है वो छोटे से मासूम बच्चों को किस तरह से बार बार टक्कर मार रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जैसे ही देखा तो बच्चे को बचा लिया, लेकिन लोगों का आरोप है कि नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। आवारा पशु यूं ही गलियों में मोहल्ले में घूमते रहते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बहराइच के कोतवाली देहात के पुलिस चौकी टिकोरा मोड़ के चंद कदमों की दूरी पर स्थित हिमारिया गांव में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। वहीं पुलिस चौकी के पास घटी इस घटना से एक बात साफ हो गई है कि चोरों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जिस तरह से जिले में दिन प्रतिदिन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे पुलिस भी कार्यशैली पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर बात करने से कतरा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि बदमाशों ने रात में घर में घुसकर नगदी समेत लगभग 6 लाख के सामान जेवरात की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति को जब तक इसकी भनक लगी तब तक चोर वहां से चंपत हो चुके थे। बहराइच की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लाखों का सामान चुराकर चोर फरार हो गए हैं। दरअसल जिले में चोरों का आतंक लगातार बरकरार है और एक के बाद एक चोरी की घटनाएं लगातार पूरे जिले में सामने आ रही है। तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस तो कहती है कि हम पूरी तरह से अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं, तो फिर जिले में चोरी की घटनाएं क्यों इतनी ज्यादा हो रही हैं? चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद आखिर क्यों हैं? डकैती हुई है। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या बात थी? रात में हम लोग सोए हुए थे, 5-6 लोग आए और सामान लेकर के सब अंदर लूट लिए, सब उठा ले गए और बाद में जब हम जागे तो देखा तो सब भाग लिए। 5-6 लोग थे। करीब कितने बजे रात में जानकारी हो पाई आपको? लगभग 3 बजे रात। और क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? जी। क्या ये क्या आपको लग रहा है कि शासनकाल में इस घटना का खुलासा हो पाएगा योगी सरकार में? अब वो बता तो रहे हैं कि खुलासा कर देंगे, अब ये उनके ऊपर है। करीब कितने का नुकसान हुआ आपके? नुकसान 6 लाख रुपए से ऊपर का हुआ। सरकार चाहे जिन लाख दावे करती हो कि कानून व्यवस्था उनकी काफ़ी सुदृढ़ है, लेकिन एक बानगी देखने को मिली जनपद बहराइच में, जहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत टिकोड़ा पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें करीब 6 लाख से ज़्यादा के ऊपर से यहाँ की डकैती पड़ी है और 5 से 6 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जैसे परिजनों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें चौंकाने वाली बात है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर जब पुलिस चौकी है तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी कैसे अपने आप को सुकून और सुरक्षित महसूस करे। ये काफी ना कहीं ये पुलिसिया सवाल पर ये प्रश्न उठाता है कि आखिर उनकी चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं, जो रात की गश्त होती है, क्या वो सिर्फ कागजों में होती है? ये देखने वाला होगा, आने वाला समय ही बताएगा क्या इस घटना का खुलासा मित्र पुलिस कर पाती है या नहीं कर पाती है। कैमरा पर्सन के साथ अनिल तिवारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। वही हरदोई से दारोगा जी का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में दारोगा जी अपने सीनियर अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये ऑडियो मझला थाने में तैनात एक दारोगा का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ऑडियो कब का है और ऑडियो में बातचीत करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है।
वहीं सोशल मीडिया पर वायरल ये ऑडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तुम लोग जितना वफादार हो इसीलिए मेरी उंगली कटी है। हम तो अब क्या कहें, अधिकारी हैं, अधिकारी न होते। हमने कहा अरे साहब वो तो बहुत, तो तुम्हारा तो गर्दन कटना चाहिए था, उंगली करके तुहरी छोड़ो तो आज गर्दन कटना चाहिए के तो उंगली कट करके तुम्हारे तुम भाग बाल बच्चों के भाग से तुम बच गए, तुम्हारा कर्म तो बटने लायक नहीं था के। अरे पुलिस में दुश्मनी नहीं रहती है। देखो हमने तुमको डांट दिया, मैं दरोगा हूँ, हमको यशो ने डांट दिया, यशो को सीओ रोज डांटता है, सीओ को रोज अरिजिनल डांटा, अरिजिनल को कप्तान डांटता है, उल्टा सीधा भी बोल देता सब कुछ। यहाँ पुलिस में दुश्मनी नहीं होती। हमको यशो ने डांट दिया तो हम उसको गांठ बनाए रहे मिले में चुनाऊ में कहीं क्योंकि ये देखो परिवार है, ये विभाग है, ये व्यवस्था है, ये कड़ी है भाई। जंजीर की कड़ी जोड़ करके हाथी बांधी जाती है ना, छोटी छोटी कड़ियाँ होती है ना, उसी तरह सिपाही से लेकर के डीजी तक ये कड़ी है, जंजीर है, ये व्यवस्था है, विभाग है। ये संचालित करने के लिए उसमें बहुत कुछ जरूरत। अब देखो डीजी को ये बनाने जा रहे हैं, फिर उसको डीजीपी, लेकिन ये जान रहा है कि चुनाव का हमको लाभ, उन्हें बहुत होशियार है ये, इसने लिख के दे दिया बढ़ा रहे। अरे सुनो, ने जबरदस्ती ये बढ़ा रहे हैं कि क्योंकि इनको पंडित चाहिए और बीजेपी को चाहिए कि पंडित के नाम पे रहेगा तो हमारी मदद करेगा। डीजी है चला कि ये होशियार दिमाग का है, इसने कहा कि वाले हमको 22 के चुनाव में भुनाएंगे खूब और पेंशन के बाद ये जेल भेजवाएंगे। और इस बार इनकी सरकार बननी नहीं है, सपा बसपा मिलकर बननी है, फिर इनको जाना पड़ेगा जेल, इसलिए वो चालाक होने का नेचर में नहीं बन पाऊंगा। उन्हें स्पष्ट कह दिया, खलबली मच गई है, ढूंढ रहे कोई पंडित बनाएंगे, ये तलाक इनकी है, ये इनकी मेंटलिटी है। अरे भाई मेरे ख्याल साल भर इसको हो ही गया, डीजी को साल भर से ऊपर हो गया, पर ठीक है ठाक रहा, बढ़िया रहा ये। अच्छा डीजी कहीं देख रहे बोला, एक को बार कमेंट किया। दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी मान की हत्या के बाद अलीपुर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितेंद्र गोगी का अलीपुर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार होना है, जिसे देखते हुए किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अलीपुर में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कर दी गई है। इसके साथ ही अलीपुर के शमशान घाट में भी फोर्स की तैनाती की गई। बता दें कि दिल्ली के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जितेंद्र गोगी की कल कोर्ट में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने वकील के लिबास में आए दोनों शूटर्स को भी मार गिराया था। रोहिणी कोर्ट में ये पूरा हंगामा देखने के लिए पूरा गैंगवार रोहिणी कोर्ट में जज के सामने हुआ। ऐसे में पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया और चिक चिल्लाहट मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ज्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम में आहत नहीं हुए हैं। हालांकि यहां पर गम की बात यह है कि एक वकील को निर्दोष होते हुए भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक महिला वकील भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। अभी हम खड़े हैं रोहिणी अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर। अगर अंबेडकर हॉस्पिटल की बात की जाए तो कल रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी गैंग के लीडर की और उसके साथी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात अपने आप में एक जरूर सोचने का विषय है कि इतनी सुरक्षा एजेंसी के बीच रोहिणी कोर्ट के अंदर हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर कैसे दाखिल हुआ और उन्होंने जज के सामने पीसी पे आए गोगी गैंग के लीडर गोगी की और एक उसके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आवाज़ में पुलिस ने भी एनकाउंटर किया और हमलावर की गोली मारकर उस हत्या हो गई। अगर तीनों की डेड बॉडी की बात की जाए तो तीनों की डेड बॉडी अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर रखी गई है। आज सुबह 10:30 बजे से उनका पोस्टमार्टम जो है शुरू होना था, अभी तक उनका पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो पाया है। और अगर एजेंसी की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने अंबेडकर हॉस्पिटल को पूरा सील किया गया है, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सारे आला अधिकारी भी मौजूद हैं और किसी को भी अंदर हॉस्पिटल के अंदर आने जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पोस्टमार्टम जो है थोड़ी देर बाद शुरू होगा। हम गोगी गैंग के लीडर गोगी के घर परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद थे, मगर उन्होंने कैमरे पर आने से बात करने से बिल्कुल
बिल्कुल मना कर दिया गया है। और अगर पुलिस की अगर बात की जाए तो इस टाइम अम्बेडकर हॉस्पिटल पूरा का पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है, कोई भी यहाँ किसी को अंदर आने जाने की परमिशन नहीं है। पूरे आला अधिकारी इस टाइम मोर्चरी हाउस के बाहर अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। और बात सवालिया निशान दिल्ली पुलिस के ऊपर जरूर खड़ा होता है कि इतनी सुरक्षा एजेंसी रोहिणी कोर्ट के गेट के ऊपर होती है और उन्होंने अपना जो गेट है वो पूरे का पूरा सुरक्षा एजेंसियों को दे रखा है, मगर इतनी एजेंसी के होने के बावजूद भी एक हमलावर बंदूक लेके कैसे कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है? उसकी ना आईडी चेक की गई, ना उसके कोई और डिटेक्टिव जितने भी सायरन लगे हुए हैं ना वो बजे कि भाई इसके पास कोई पुलिस पिस्तौल है या बंदूक है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सुरक्षा के इंतजाम के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है। कैमरामैन जस्सी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। मेरठ के एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र स्कूल में तमंचा लेकर पहुंच गया। पूरा मामला मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के भुड़बराल गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज का है, जहां शुक्रवार की सुबह कक्षा 12वीं का छात्र अपने बैग में तमंचा लेकर स्कूल में पहुंचा था और स्कूल के छात्रों को दिखाने लगा, जिसकी सूचना किसी छात्र ने स्कूल प्रिंसिपल को दे दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने छात्र को पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि झज्जूपुर निवासी छात्र विनय राठी बैग में तमंचा लेकर स्कूल में पहुंचा था, जिसकी सूचना पर स्कूल प्रिंसिपल गजेंद्र वर्मा ने बच्चों के पास फोन होने के शक को लेकर स्कूल में आए छात्रों के बैग की तलाशी शुरू कराई। तलाशी के दौरान विनय के बैग में तमंचा बरामद हुआ, जिसकी सूचना प्रिंसिपल ने तुरंत थाना परतापुर को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तमंचे और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरठ का यह पूरा मामला 12वीं का छात्र बताया जा रहा है जो अपने बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया था, जिसके बाद किसी छात्र ने सूचना स्कूल के प्रिंसिपल को दे दी, प्रिंसिपल ने सारी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस फिलहाल इन छात्रों से पूछताछ कर रही है। आगरा के थाना कस्बा जैतपुर के नंदगवा मार्ग स्थित झोला छाप के क्लिनिक पर प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसकी शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने क्लिनिक को सील कर मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने महिला डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक थाना चित्राहाट क्षेत्र के गाँव सूरजनगर निवासी संजीव की पत्नी सुमन, जिसकी उम्र करीब 24 साल है, उसे प्रसव कराने को लेकर झोला छाप डॉक्टर के पास लाया था, जहां लापरवाही के चलते महिला की जान चली गई। मामले में पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया और महिला डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में स्थित एक मंदिर में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा गुरुद्वारे की देर रात मंदिर में घुसकर मूर्तियों को खंडित कर दिया। वहीं जब सुबह के वक्त श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे तो प्रतिमाओं को खंडित देखता हुआ श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा दिखाई दिया। वहीं श्रद्धालुओं का आरोप है कि इलाके के मंदिरों में कुछ अराजक तत्वों द्वारा मंदिरों में घुसकर देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही। तो वहीं आक्रोशित श्रद्धालु पुलिस की कार्यशैली से भी काफी ज्यादा नाराज होकर धरने पर बैठे हैं। श्रद्धालुओं की मांग है कि मंदिर की प्रतिमाओं को खंडित करने वाले अराजक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। वहीं श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को तलाश कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। और इस टाइप की घटना मंदिरों में घटती जा रही है। एक महीने पहले प्रभाव एक मंदिर का घटना घटी, आज यहाँ घटना घट गई, अभी एक आध घटना और दूसरी जगह भी घटी है। लेकिन इस टाइप की घटना घटने से समाज के अंदर बड़ा रोष है। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि मंदिरों के नाम पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, और अगर इस टाइप की सुरक्षा अगर नहीं बढ़ाई गई तो हिंदू समाज सुरक्षा अपने हाथ में लेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, हमारी प्रशासन से ये मांग है। आज की घटना को लेकर सीओदार ने आश्वासन दिया है कि हम शाम तक इसका खुलासा करेंगे। यहाँ पर ये ईंटों से ये मंदिर की सारी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और यह मंदिर से चोरी कर ली गई है। हाँ, अच्छा, तो कब की घटना बता रहे हैं, कब हुआ था ये? ना तो हम सुबह आए हैं, तब मालूम चल पाया। अच्छा, सुबह कितने बजे मालूम पड़ा आपको? 6 बजे आए थे, तब मालूम चला। राजस्थान में जयपुर के चाकसू में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां बाईपास पर एक इको वैन ट्रॉले में जा घुसी। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक राजस्थान टीचर्स
इंटरेटिव टेस्ट यानी कि आरईटी परीक्षा देने के लिए बर्रा से सीकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वैन में 10 लोग सवार थे, इनमें से ज्यादातर लोग रीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए बर्रा से सीकर जा रहे थे। रास्ते में नियंत्रित होकर वैन ने ट्रॉले में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। बाकी लोगों को महात्मा गांधी और सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगरा के थाना कस्बाबाद क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिजन युवती को फंदे से उतारकर सीएससी केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर सीएससी केंद्र बाहर में चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवती की आत्महत्या का कारण साफ नहीं हो सका। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आए और 290 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हो गए हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल में सामने आ रहे हैं। केरल में शुक्रवार को कोविड-19 के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 127 लोगों की जान चली गई, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 45,00,000 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 24,000 से ज्यादा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोविड-19 के 1,62,000 से ज्यादा मामले उपचाराधीन हैं, जिनमें से केवल 12.6% ही अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच शुक्रवार को 15,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या लगभग 44,00,000 से ज्यादा है। मंत्री का कहना है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए 91.3% ने कोविड टीके की पहली खुराक ली है और इसी आयु वर्ग के करीब 39% लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।